नए व्यूअर्स, जल्दी से सेलेब्स फॉर स्टाइल को सब्सक्राइब तो कर लो और बगल की घंटी दबाकर ऑल पर क्लिक जरूर कर देना। स्वागत है आपका फिर से एक बार सेलेब्स फॉर स्टाइल में। दोस्तों, फिल्मों के चलने का एक अहम कारण फिल्मों के गाने भी होते हैं। मुकेश से लेकर किशोर कुमार तक सभी ने कई एक्टर्स को सफलता के शिखर तक पहुँचाने में मदद की है। और हाल के सालों में ऐसे ही एक गायक हैं उदित नारायण। उदित जी को आज तक बॉलीवुड इंडस्ट्री का ऐसा गायक माना जाता है जिन पर किसी बड़े गायक के अंदाज का असर नहीं दिखता है। अपनी अलग स्टाइल से ही उन्होंने आज ये सफलता हासिल की है। उदित नारायण का जन्म 1 दिसंबर 1955 को बिहार के सुपौल जिले के बसई गांव में हुआ था। उदित जी का पूरा नाम उदित नारायण झा है। उनके पिता का नाम हरे कृष्णा झा और माँ का नाम भुवनेश्वरी झा था। उदित नारायण की स्कूली शिक्षा पीबी स्कूल राजबिराज से पूरी हुई, जो नेपाल में स्थित है। उदित जी ने अपनी सिंगिंग करियर की शुरुआत नेपाली फिल्म सिंदूर से की थी। इसके बाद साल 1978 में वो मुंबई आ गए। 1980 में उन्हें पहली बार किसी फिल्म में गाने का मौका मिला। फिल्म 1920 में उन्होंने पहली बार हिंदी फिल्म में गाना गाया, लेकिन उन्हें असली कामयाबी मिली ब्लॉकबस्टर फिल्म कयामत से कयामत तक के जरिए। इस फिल्म में गाए पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा सॉन्ग के लिए उन्हें पहली बार बेस्ट मेल सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। बता दें कि उदित नारायण ने अब तक 25,000 से भी ज्यादा गाने गाए हैं। इन गानों में वो करोड़ों की कमाई कर चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उदित नारायण के पास आज लगभग 143 करोड़ रुपए की संपत्ति है। बता दें कि उदित नारायण को साल 2009 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया था। अपनी जादुई आवाज की वजह से उन्हें 3 बार बेस्ट सिंगर ऑफ नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। दोस्तों, ऐसी ही कई सारी खबरें बॉलीवुड इंडस्ट्री की, सेलिब्रिटीज की जानने के लिए जुड़े रहिए आप सेलेब्स फॉर स्टाइल से। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर सब कुछ कर दीजिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।